वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी सालिक हुसैन और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड फारीना मजहर के जेर सदारत ई कचहरी का इनेकाद। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुतअद्दिद सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी के अराकीन ने सरमायाकारी बोर्ड से राबता किया। सरमायाकारी बोर्ड के तैनात करदा एजाजी सरमायाकारी काउंसलर्स ने गैर मुल्की सरमायाकारी को मजीद फरोग देने की तजावीज़ पेश की। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड ने शुरका को गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए जल्द मुनाकिद की जाने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में बताया। खसूसी इकतसादी रहदारी, जॉइंट वेंचर्स, वन विंडो ऑपरेशन, कारोबारी वीज़ों का इजरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन ई कचहरी के अहम मौजूद थे। शुरका ने पाकिस्तान में सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने और मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर सरमायाकारी बोर्ड टीम को सराहा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक खुली कचहरी सरमायाकारी बोर्ड में अवामी रसाई की एक बाकायदा सरगर्मी बन चुकी है। ये सेशन 2 घंटे तक जारी रहा और अवामी रसाई के हवाले से एक कामयाब इकदाम था। सेक्रेटरी ने सरमायाकारों की हौसला अफजाई की कि वो अपने प्रोजेक्ट की तजावीज़ और मुशाहदात सरमायाकारी बोर्ड के साथ शेयर करें।